हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं स्वादिष्ट झटपट बनने वाला और खिला खिला मटर पुलाव। इसे हम महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे, हरी मिर्च का मसाला इस्तेमाल करके। आपको बहुत पसंद आएगा, तो चलो देखते हैं इसे बनाने की विधि। सबसे पहले हम लेंगे लगभग 1.5 या 2 कटोरी चावल। इससे 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी पुलाव बन जाता है। चावल को साफ कर लेंगे और 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और 2 ग्लास पानी में भिगो के रख देंगे। फिर लेंगे 250 ग्राम हरे मटर, 1 से 2 इंच सूखा नारियल, 15 से 20 लहसुन की कलियां, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ आलू, 1 मीडियम साइज़ गाजर, 2 मीडियम साइज़ टमाटर और प्याज, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च अगर ज़्यादा तीखी हो तो, और अगर कम तीखी हो तो 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे। फिर अदरक, हरी मिर्च, सूखे नारियल को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, प्याज को ऐसे लंबे काट लेंगे, थोड़ा हरा धनिया मसाले के लिए साइड में निकाल लेंगे और बाकी को बारीक काट लेंगे। आलू, गाजर और टमाटर को मध्यम आकार में काट लेंगे। अब मसाला बनाते हैं। 1 मिक्सर जार में 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, सूखे नारियल के टुकड़े, कड़ी पत्ता, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, हरा धनिया, 1/4 चम्मच नमक और थोड़ा पानी डाल के ऐसे दरदरा पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो उस पे पीस लेना, स्वाद और बढ़ जाता है। फिर हरी मिर्च का मसाला निकाल कर उसी जार में टमाटर को पीस लेंगे इस तरह। सारी तैयारी होने पे एक कुकर गरम कर लेंगे। डालेंगे 9 से 10 छोटे चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच घी। सब गरम हो जाए तो डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने। दाने तड़कने पे फिर डालेंगे जीरा और थोड़े खड़े गरम मसाले। अगर आप खड़े गरम मसाले नहीं इस्तेमाल कर रहे तो बाद में आप गरम मसाला पाउडर डाल दें। फिर डालेंगे लंबे कटे हुए प्याज, कुछ सेकंड्स भूनेंगे। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, इससे प्याज जल्दी भूनेंगे। फिर थोड़ी मूंगफली डालेंगे, इससे पुलाव में बढ़िया क्रंच आता है। कुछ सेकंड्स और भूनेंगे। फिर डालेंगे हरी मिर्च का मसाला जो हमने पीस के रखा था। इसके साथ प्याज को 1 से 2 मिनट भूनेंगे, हल्का सुनहरा होने लगे तब डालेंगे कच्चे हरे मटर। इसके साथ मसाले को और 1 से 2 मिनट भूनेंगे। फिर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आपने खड़े मसाले नहीं डाले हैं तो गरम मसाले की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। फिर डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और पिसे हुए टमाटर, अच्छी तरह मिला लेंगे, 1 मिनट भूनेंगे। फिर डालेंगे हरा धनिया, आलू और गाजर, मसाले के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे, 1 मिनट भूनेंगे। फिर जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसमें से पानी निकाल कर चावल डालेंगे और अच्छी तरह मसाले और सब्जी के साथ मिलाकर 1 मिनट भूनेंगे। फिर डालेंगे 2 से 2.5 ग्लास पानी। स्वाद चख लेंगे, अगर कम लगे तो नमक डालेंगे। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी कर लेंगे। कुकर अच्छी तरह ठंडा होने पे खोलेंगे और बढ़िया खिला खिला पुलाव बनके तैयार है। इसे गांव में चूल्हे पे धीमी आंच पे ढक के बनाया जाता है और आलू बैंगन की सब्जी के साथ खाया जाता है, बढ़िया लगता है। तो ज़रूर बनाएं और हमें लाइक और कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू।